सभी को नमस्ते। नवरात्रा के इस पावन पर्व के तृतीय नवरात्र पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंत्र पाठ के साथ आज के इस कार्यक्रम को, विशेष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में योग व स्वास्थ्य का प्रतिदिन का लाइव फेसबुक पेज पर स्वामी न्यूज अजमेर की ओर से। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है, हकलाना और तुतलाना कैसे योगासन और प्राणायाम से ठीक किया जाए। तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े ऐसा करते हैं जो हकलाना और तुतलाना बहुत वास्तव में बहुत अच्छी बात नहीं लगती। कॉन्फिडेंस भी लूज होता है और अपने बच्चों को देख करके माता पिता का भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं लग रहा लोगों को, तो इसीलिए वो लोग इसको झेलते रहते हैं, पूरे पूरे जीवन भर झेलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, योग में थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो इन सब चीजों में कमी आ सकती है, और अगर लंबे समय तक इसको किया जाए इन अभ्यासों को, तो पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अपनी समस्या को पूरी तरह से। ऐसा हमने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने अजमेर के ही, मेरे को लोग आप सभी लोग मुझे लाइव देख पा रहे हैं। मैं आपको फिर से कहता हूँ, हमारे अजमेर के ही एक योग शिक्षक हैं जो हकलाना तुतलाना उनकी समस्या थी, उन्होंने योग से ठीक की है अपनी समस्या और अब सैकड़ों हजारों लोगों को योग सिखाती है। तो इसीलिए हकलाना और तुतलाना योग से ठीक हो सकता है। अभी आंवला का सीजन चल रहा है, आंवला के पतले पतले स्लाइसेस काट करके चबा चबा करके खाएं, जो हकलाते और तुतलाते हैं उनकी हकलाना तुतलाना कम हो जाएगा, थोड़े दिनों में बंद हो जाएगा, जीभ पतली होने लगती जैसे, तो वो हकलाती तुतलाती नहीं है या बहुत कम हकलाती है। दूसरा एक प्राणायाम है जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। उस उज्जयी प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास किया जाए, कई कई बार किया जाए, और एक सिंहासन, इन दोनों का बार बार अभ्यास किया जाए। उज्जयी को भी दो प्रकार से बता रहा हूँ आज, कई कई लोगों से किसी प्रकार से होता है, कभी नहीं होता, इसीलिए उज्जयी प्राणायाम को कैसे करें, गले को टाइट करके और श्वास को अंदर खींच रहे हैं, आवाज करते हुए खींच रहे हैं। शुरू शुरू में आप खांसी आएगी ऐसे आएगी, तो घबराना नहीं है, खांसी तभी आती है जब आप सही सही ढंग से अंदर खींच रहे होते हैं। तो इसलिए खांसी आए तो बिल्कुल स्वाभाविक है वो। और थोड़ी देर फिर इसको अंदर रोक लेना श्वास को। और उसके बाद दाई नासिका, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देना। ये प्राणायाम थायराइड को तो क्योर करता ही है, टॉन्सिलाइटिस, लरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, हकलाना, तुतलाना, स्नोरिंग,
इतनी सारी प्रॉब्लम और साथ में थायराइड, ये भी इन सब को ठीक करने वाला एक यह उज्जायी प्राणायाम है जो यहाँ के सारे ही हमारे डिसऑर्डर्स जो वोकल के हैं सब को ठीक कर देगा। इसको कहते हैं उज्जायी प्राणायाम। ये ज्यादा बार किया जाने से कोई नुकसान नहीं है। जिनको जल्दी रोग को ठीक करना हो, जल्दी अपने डिसऑर्डर को ठीक करना हो, वे लोग इसको 20 बार से 25 बार भी कर सकते हैं एक समय में, शाम को पुनः कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, जितना आप ज्यादा लंबे समय तक करेंगे, जितना ज्यादा मात्रा में इसको करेंगे, उतना जल्दी आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो इसको उज्जायी प्राणायाम कहते हैं। तो उज्जायी की हमने विधि पूर्वक देखा, अब इसको दूसरे प्रकार से देखते हैं। छोटा छोटा उज्जायी करके इसको बड़ी मात्रा तक ले जाते हैं। देखो ऐसे, ऐसे अभी जल्दी से ही छोड़ दें। इसको दूसरी तरीके से करते हैं। आते आते श्वास बाहर निकाल दें। गले को टाइट करके श्वास भरनी, आवाज करते हुए जाएगी। तो इस तरह से उज्जायी करने के बाद आपको गले को यूं सहलाना है, लार निगलते हुए गले को सहलाएं। और उसके बाद एक सिंहासन की क्रिया और है, लेकिन इससे पहले एक और बात बता देता हूँ। उज्जायी चाहे सिंहासन, जो अपनी वाणी को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तुतलापन हकलापन दूर करना चाह रहे हैं, वे लोग शहद का जरूर सेवन किया करें। एक या दो चम्मच जरूर शहद का सेवन किया करें। जिनको डायबिटीज ना हो वे ही इसका सेवन निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। दूसरा, एक कवल ग्रह नाम की क्रिया होती है आयुर्वेद की स्वस्थ व्रत में। और कवल ग्रह का मतलब क्या, कैसे करते हैं, उसको बता देता हूँ। आप अपने हाथ में तिल का तेल ले लीजिए थोड़ा, और तिल का तेल लेने के बाद इसको अपने मुंह में ऊपर लगा दीजिए, फिर नीचे लगा लीजिए, फिर दाएं और बाएं और अंदर तक, काफी अंदर तक जीभ को छोड़ दीजिए, जीभ को और दांतों को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह लगाना है आपको, मसूड़ों से दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह लगा लीजिए। और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद गुल्ला कीजिएगा। कुल्ला करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो पानी पी भी जाएंगे तो भी अंदर ही जाएगा, तो नुकसान वाली कोई चीज नहीं है इसमें। तो इस तरह की क्रिया करने को कहते हैं कवल ग्रह, और ये ब्रश करने के बाद ही की जाने वाली क्रिया है। इससे वाणी गंभीर और मधुर बनती है, और मुख के जितने भी दोष हैं, यानी कि एक दुर्गंध भी, कई सारे लोगों के मुंह से बदबू भी आती है, लोगों के मुंह से जो बदबू आती है ना, वो बदबू भी समाप्त हो जाती है इस कवल ग्रह को करने से। तो इस तरह से इस कवल ग्रह से भी वाणी के दोष दूर होते हैं। आयुर्वेद में इसके बारे में कहा भी है कि इसको प्रतिदिन करने वाले व्यक्ति की वाणी गंभीर बनती है और मधुर बनती है। ये वास्तव में बहुत प्रभावी क्रिया है। और इस कवल ग्रह को सभी, वैसे तो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। हर व्यक्ति करे, ऐसा नहीं कि कोई बीमार हो जाए तो ही करे। हर व्यक्ति करेगा तो उसकी वाणी और उसका गला हमेशा ही अच्छा बना रहे, क्योंकि जिसको देखो उसको गाने का शौक है। हर व्यक्ति सोचता कि मैं भी गाऊं, माइक लेकर के मैं गाना शुरू कर दूं। तो इसीलिए गाना भी अगर चाहते हैं तो अपनी वाणी को अच्छा कर लीजिए। अच्छा करेंगे तो बहुत कुछ, जिसको हम कहते हैं कि हम अपनी वाणी को बहुत कुछ ग्रेस प्रदान कर सकते हैं। ग्रेस मतलब बहुत उत्तम वाणी हो सकती है। दूसरा अभ्यास, जिसको हम सिंहासन कहते हैं, उसमें थोड़ा सा यूं कंधों को आगे की तरफ झुका लेते हैं, हाथों को जमीन पर रख लेते हैं, और फिर आगे की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मैं और पीछे हो जाता हूँ जिससे कि आपको दिखने में और आसानी हो जाए। हाथ नीचे जमीन पर रख लेते हैं और उसके बाद कंधों को थोड़ा नीचे झुका लेते हैं, और धीरे धीरे श्वास पूरा अंदर भर लेते हैं।
पूरा श्वास अंदर भर लिया और जीभ को बाहर निकाल दिया, शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे, गले पर पूरा स्ट्रेस आएगा। फिर से श्वास भरेंगे, फिर से श्वास भरेंगे, फिर से श्वास भरेंगे, फिर से श्वास भरेंगे, और इतना 5 से 7 बार करने के बाद, अभी 5 बार तो मैंने भी किया, 5 बार भी कर लिया जाए उसके बाद अपने गले को मसाज देंगे, गले को सहलाएं ऊपर से नीचे तक, ऐसे सहलाएं और लार को अंदर निकले, थूक को अंदर निकल लें। इसको कहते हैं सिंहासन, इसमें शेर की तरह दहाड़ लगाई जाती है और श्वास को बाहर की तरफ, गले से बाहर की तरफ किया जाता है इसको, और उज्जाई में अंदर की तरफ खींचा जाता है ऐसे, और सिंहासन में बाहर। अब ये 2 ही क्रियाएं हैं और बड़ी जबरदस्त क्रियाएं हैं, बहुत जबरदस्त। आपने हकलापन और तुतलापन वालों को करवा दिया, जो हकलाते हैं जो तुतलाते हैं, निश्चित रूप से आप उनके अंदर 15-20 दिन 1 महीने के अंदर, चाहे वो बचपन से हकलाते तुतलाते हो, आप 1 महीने के अंदर उनके अंदर, 1 महीने के अंदर बहुत गजब का परिणाम, बहुत गजब का चेंज देख पाएंगे। किसी के थोड़ा, किसी के ज्यादा, लेकिन चेंजेस जरूर आएंगे। सबके शरीर की रिस्पॉन्ड वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन ये क्रियाएं बहुत जोरदार है और इन क्रियाओं को नियमित रूप से अगर व्यक्ति करे, कितनी करनी है मैंने बताया आपको, दोनों के लिए बताया, ये सब नियमित रूप से की जाए और कवल ग्रह भी किया जाए, कवल ग्रह भी करना चाहिए तो ये भी किया जाए, तो 100% आपके इन समस्याओं में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है हकलापन और तुतलापन को दूर करें प्राणायाम से और योगासन से, तो उसमें निश्चित रूप से बहुत लाभ होने वाला है। तो आप सबके सामने आज नवरात्र का 3रा दिन है, अश्विन के नवरात्रे चल रहे हैं और अश्विन के नवरात्र में आज आपको विशेष बातों को रख करके आज के योग और स्वास्थ्य के इस सत्र को रखा। आप सबका बहुत बहुत मंगलमय जीवन निकले, ऐसी नवरात्रा के 3रे दिन आप सबसे मंगल कामना की जा रही है, ईश्वर से मंगल कामना आपके लिए सबके लिए कर रहा हूँ। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ आज के सत्र को यहीं पूरा कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। ओम शिव। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। स्वामी न्यूज चैनल का, स्वामी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के सत्र में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम शांति।